नमस्कार दोस्तों, और निकमी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल में हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। आज हम संविधान सभा को और आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की लिखो दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुई संविधान सभा की? क्या हुई? अंतिम बैठक हुई। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। संविधान सभा में जब अंतिम बैठक हुई तो उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 299 तो सदस्य थे, उनमें से कितने लोगों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा में 299 सदस्यों में से 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए तथा अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। राजेंद्र प्रसाद ने किए। अब दोस्तों आगे लिखो, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिसमें साइन कितने ने किए? संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, उसमें से 12 सदस्यों ने क्या किए थे? साइन किए थे। सॉरी दोस्तों, 10 महिला सदस्यों ने। तथा संविधान पर 10 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अयाज रसूल थी। बेगम अयाज रसूल थी। ये क्या था दोस्तों? संविधान सभा के बारे में प्रारूप था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस पे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, जिनमें से 284 सदस्यों ने क्या किए थे? संविधान पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान सभा पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर करने के बाद में वो क्या हो जाता है? कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाता है। तो अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है सीधा डायरेक्ट, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से संविधान में 10 महिला सदस्यों ने क्या किए थे?
साइन किए थे, उसमें भी एकमात्र महिला सदस्य जो क्या थी मुस्लिम थी, बेगम अयाज रसूल क्या थी एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो दोस्तों ये था आपका संविधान सभा के बारे में, अंतिम प्रारूप के बारे में, और आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका क्या लें, स्क्रिप्ट शॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं संविधान सभा से। संविधान सभा में राजस्थान से 11 सदस्य निर्वाचित थे, 11 सदस्य निर्वाचित थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने इसे चलाए मान राष्ट्र कहा। जवाहरलाल नेहरू ने, लिखो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलाए मान राष्ट्र कहा। तो संविधान सभा को चलाए मान राष्ट्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आगे लिखो दोस्तों, संविधान सभा के सचिव कौन बने? संविधान, ये फैक्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको रटने होंगे। संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव कौन बने? उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो सचिव कौन बने थे दोस्तों? संविधान सभा के सचिव बने थे के एम मुंशी। क्या बने थे? संविधान सभा के बने थे सचिव। दोस्तों आगे बात करते हैं, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी क्या बने थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। दोस्तों उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ब्रिटेन के पीएम। संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय ब्रिटेन के पीएम थे एटली। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, संविधान तैयार कब अंकित कब हुआ तो हमारा संविधान अंतरिम सरकार का गठन हुआ। एक बार ये क्वेश्चन लिख लो, अंतरिम सरकार का गठन। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गठन 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, अंतरिम सरकार का फिर ये गठन तो 2 सितंबर 1946 को हो गया था, इसका विघटन की बात करते हैं। तो विघटन कब हुआ? जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ तो विघटन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ तथा लागू 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो हमारे देश का संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1946 को क्या हुआ था? 49 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। लागू होने का काम कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान निर्माण में समय कितना लगा? समय की बात करें, निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। ये तो निर्माण में समय लगा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, कुल समय की बात करें तो कुल समय कितना लगा? कुल समय 3 वर्ष 1 माह और कितने दिन? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन लगे थे। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन कुल समय पूछ लिया जाए तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे संविधान के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं, राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित थे? 11 सदस्य थे। उस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे।
संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने एक चलायमान संस्थान व राष्ट्र का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं संविधान सभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। सचिव के रूप में के एम मुंशी को नियुक्त किया गया था और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एस सी मुखर्जी को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। दोस्तों आगे बात करते हैं अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसके बाद में इसका विघटन कब होता है, तो विघटन 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, इसका विघटन होता है। बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को अंतरिम सरकार का विघटन होता है, तो यह यहीं पे क्या होता है, संविधान अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया जाता है। जबकि संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। हमारे संविधान के निर्माण में समय पूछा जाए, टोटल समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। परंतु आपसे पूछ लिया जाए संविधान को लागू होने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान को लागू होने में कुल समय पूछ लिया जाए तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा था। यह आपको बात ध्यान में रखनी है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि संविधान को लागू होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, न कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो इसको तैयार करने में लगा हुआ समय है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे क्या है, दोस्तों आगे बात करेंगे हम संविधान अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था। इसके बाद में बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, जी वी मावलंकर। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष जी वी मावलंकर, जी वी मावलंकर मावलंकर जी वी मावलंकर क्या बनते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। बात करते हैं संविधान सभा, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, संविधान का प्रारूप प्रारूप संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, किसने तैयार तैयार किया, कब तैयार किया दोस्तों, संविधान सभा का प्रारूप बी एन राव ने क्या किया, तैयार किया। तो संविधान सभा का प्रारूप आपसे पूछ लिया जाए किसने तैयार किया, बी एन राव ने तैयार किया था। दोस्तों बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्मी में पूछते हैं बहुत ज्यादा, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात अनुपात 3:2 है, इसको घुमा भी सकते हैं, 2:3 की चौड़ाई का लंबाई का अनुपात भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसको तैयार करने का काम किसने किया था, तो दोसा के अलुदा ग्राम में इसे तैयार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को दोसा के अलुदा गांव में तैयार किया गया। इसे राष्ट्रीय ध्वज को कहां तैयार किया गया, दोसा के अलुदा गांव में इसे तैयार किया गया। दोस्तों प्रथम बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस मनाया गया, प्रथम स्वाधीनता दिवस हमारे राष्ट्र संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण से पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, संविधान का निर्माण करने के लिए, तो वो कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ दोस्तों कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ, तो उस दिन कुछ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है विधि व कानूनी दिवस कब मनाया जाता है, विधि
कानूनी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि या कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 26 नवंबर को विधि या कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों एक बार आप इसका बारे में वापस से अध्ययन करते हैं। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी वी मावलंकर था। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया था। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। किसकी? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है। आगे बात करते हैं प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज तैयार कहाँ किया गया? दौसा के आलूदा गांव में इसे तैयार किया गया था। दोस्तों बात करते हैं हमारा संविधान लागू अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। यह अभी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी रीट की पात्रता हुई थी उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, विधि व कानूनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि व कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक दिवस पूछते हैं विधिक दिवस, ये भी रीट की पात्रता में पूछा गया था। विधिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विधिक दिवस 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 9 नवंबर को विधिक दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने पॉलिटिकल की ये क्लासें पढ़ाई है आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आप तक भी जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।